रोक लें, ये देखें, बस बस बहुत बढ़िया, ये देखें, ठीक है। एक बार अगर फिर लाइट के सामने से अगर आप निकाल पाएं तो गांव समचाना डिस्ट्रिक्ट रोहतक में एक बार जब इस मुर्रा पशुधन ने इस कटड़े को जब जन्म दिया था उस समय की भी मिल्किंग, माफ़ी चाहूँगा, वीडियो रिकॉर्ड की गई थी और अभी देखें मिल्किंग पे आ चुकी है। एक महीने से कम की तकरीबन ब्याई हुई है गांव समचाना में। थर्ड टाइमर ये मुर्रा बफलो है। सेकंड टाइम में जो इसने दूध उत्पादन दिया 22 किलो 400 ग्राम, ये देखें, और ये थर्ड टाइम। तो अक्सर ठीक है, बस बस बहुत बढ़िया, ये देखें कैमरे के सामने से, बस रोकें रोकें, बहुत बढ़िया, और एक कदम आगे लखवाएं, ठीक है ठीक है ठीक है, ले आए बाल्टी वगैरह ले आए। ये देखिए, मैं एक बार पास से और जरूर दिखाना चाहूंगा, अडर क्वालिटी जो है सटीक अडर क्वालिटी, मजबूत जो थन, और हर एक थन के ऊपर लेवटी का जो बराबर भार देखने को मिल रहा है, ये अतिसरा है, ठीक है, ले आए। हाँ वो दिखा दें, मोबाइल दिखा दें, काफ को छोड़ें। तो दूध उत्पादन क्षमता का एक अनुमान है कि 24++, क्योंकि कटड़े को अच्छा दूध पिलाया गया है, पूरा दूध कभी नहीं निकाला गया है। गूगल प्लीज टेल मी द टाइम एंड डेट। It is 6:02 p.m. the 18th of December 2020. 6:02 संध्या का समय है 18 दिसंबर। ये देखें, अच्छी तरह पोषाना, कटड़े को 100 200 300 ग्राम दूध पिलाने में, हाँ वो मत दिखाना कंजूसी ना, पिलाओ। कई बार बाबूजी क्या होता है कि कई बार है ना, हाँ अच्छी तरह पोषा नहीं पाते, और फिर देखते हैं बोले बहन पूरा दूध निकाल रहा है, ये होता है 100-200 ग्राम के लालच में। तो गांव समचाना ओनर का नाम है नवीन सर, एक बार हाथ हिलाएं, ये देखिए बहुत बढ़िया। तो सेकंड जो लैक्टेशन थी उसमें HLDB में जो इसका दूध रिकॉर्ड करवाया गया 22 किलो 400 ग्राम दूध उत्पादन क्षमता, ये देखें पूरी काली पूंछ में, और इसी का मेल काफ वो देखें पिछले ब्यांत का वहां पर है, और इस बार भी एक मेल काफ को जन्म दिया। कभी कटड़ी को जन्म नहीं दिया इसने, नहीं दिया है, सारे कटड़े ही आए हैं, चलो बहुत बढ़िया। और इस बार ये जो कटड़ा है ये देवेंद्र कोच साहब का जो बादल बुल है उसका, और पिला दें थोड़ा हाथ दूध, चलो बाद में पिला दें बाद में। तो ये देखें टिट्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, ये देखें आप तकरीबन 5 अंगुल के आसपास स्पेसिंग, और ये देखें मजबूत थन है, ठीक है निकाले बिना किसी कट और बिना किसी एडिटिंग के, एज इट इज इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा आप, ताकि सही सही अनुमान लगा सकें। एक और प्रयास है कि 24+ की दूध उत्पादन क्षमता वाली जो भैंस है उसकी 2 समय मिल्किंग करके दिखाई जाए। तो 6:02 पर अभी हुई है, और 6:02 पर ही सुबह की मिल्किंग आपको दिखाएंगे। काटा तैयार कर लिया, आ जाओ ले आओ, सामने रखो और इसको वेरीफाई करवा दो। इस बाल्टी में आ जाएगा दूध? नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है बस, कर लो चार्ज कर लो, कोई बात नहीं। एक सेकंड, उल्टी करके बाल्टी दिखाएं पहले, उल्टी करके, बिल्कुल उल्टी करके, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ये देखें अच्छा,
एक और बेहतरीन क्वालिटी जो इस भैंस की देखने को मिली है कि ये देखें, मैं इसके लिए नया हूँ। दूध निकालते वक्त जब पास जा रहे हैं तो कोई झिझकने का, नाचने का, कान उठाने का, इस तरह का स्वभाव जो इसमें नहीं देखने को मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कांटे को वेरीफाई इसलिए करवा दो ताकि कोई ये ना कहे कि कल को कांटे में फेर कर रखा था। ठीक है, 1 किलो का बाट रख दो, उसके ऊपर 1 किलो दिखना चाहिए। कोई बात ना, घिस गया होगा तो 10-5 ग्राम ऊपर नीचे दिखा देगा, इतना ही तो है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। तो एक मेरा छोटा सा जो प्रयास है कि अच्छा जो पशुधन है वो किसान की एक तरह से आर्थिक सुदृढ़ता उसको प्रदान करता है। एटीएम मैं इसको ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि जो फसल होती है वो 4-6 महीने बाद आपको कीमत दे करके जाती है। लेकिन एक पशुधन, अच्छा पशुधन अगर आप खुट्टे पर रखते हैं तो प्रतिदिन दिन में 2 बार वो आपको कमाई देता है, एक सुबह और एक शाम को। और इसके अलावा भी अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके काफ को, मेल काफ, फीमेल काफ, कटड़ी को बेच करके और तुरंत अपनी जो आर्थिक जो समस्या है, चुनौती है, उसको उसका समाधान पा लेते हैं। जबकि फसल के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। इसीलिए आदिकाल से ही पशुपालन और खेती, ये जो दोनों व्यवसाय हैं, ये दामन चोली का इनका साथ रहा है। किसान ने कभी भी सिर्फ अकेले खेती नहीं की, उसके साथ वो पशुपालन करता आया है। क्योंकि एक और जो कहावत है कि बेस्ट इज़ फॉर ह्यूमंस और वेस्ट इज़ फॉर एनिमल्स, अच्छा हम खाते हैं। गेहूं अगर उत्पत्ति करेंगे तो गेहूं इंसान खाएगा, गेहूं का भूसा जानवरों के लिए डाल दिया जाता है। तो ये देखें, चुआई नरम है कालू भाई साहब, चुआई नरम है, बिल्कुल ठीक है, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखें, दूसरी बाल्टी ले आएँ दूसरी बाल्टी, हाँ उल्टी करके बाल्टी दिखा दें एक बार, बहुत बढ़िया। ये देखें, बहुत बढ़िया, ये देखें, इसी के पीछे रख दें, बखेरे ना दूध को बस, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। साफ सुथरी मिल्किंग आपको दिखाएंगे, किसी तरह का लाग लपेट मेरा किसी किसान से नहीं रहता है। तो जो सत्य है वो आपके सामने अभी थोड़ी देर में, क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता साधारण किसान की इस मुर्रा भैंस की। हाँ ठीक है, एक निकाल लो, ये देखें, ये जो मेल काफ है ये पिछले ब्यांत का है, सेल के लिए है, दे दोगे, कर दोगे, अच्छे पैसे लगेंगे तो बेच देंगे। ठीक है, और इस बार भी मेल काफ है जो कि देवेंद्र कोच साहब का, जो बादल बुल है उसका बेटा है। डायरेक्ट मेट करवा के लाए थे, कितने कितने रुपए दिए थे? 3100 रुपए कोच साहब को देके आए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। रोहतक में जो इंद्रप्रस्थ के सामने जो उनका फार्म है, ठीक है, देवेंद्र कोच साहब काफी जाने माने मुर्रा के ब्रीडर हैं, काफी अच्छे पशुधन हैं उनके पास, और उनके जो सांड है काफी कॉम्पिटिशन्स में चैंपियन बने हैं। ये देखें, तो ये जो दूध उत्पादन है आपकी भैंस का, ये तकरीबन कितने दिन तक चलता है? 5-6 महीने ऐसा ही, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो 5-6 महीने तक पिछले ब्यांत में 22,400 इसने रिकॉर्ड करवाया, और फिर कितने दिन तक 20+ रखा इसने? 6 महीने तक। और फिर तो मौज है। कितने महीने बाद ग्याबिन होगी थी? 28 दिन की ग्याबिन होगी, अभी भी डोके में है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जानकारी। ये देखिए, मिल्किंग जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिली, वो 13 महीने का हुआ है। ओपरा नहीं मानती भैंस? ना, कोई ओपरा नहीं मानती। हाथ लगा के देखा, हाथ लगा के देखा।
तो जब इसको उसमें निवास में लेकर के जाते हो घर से दूर, कोई ओपरा नहीं मानती, आराम से खड़ी होगी दूध निकाल। ये देखे चार टाइम दूध, एक समय खाली की गई और तीन समय की दूध तुला था। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया काटा चार्ज, वहीं रखना पड़ेगा। चल कोई नहीं, वहीं रख ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखें जो ऑर्डर दूध निकालने से पहले था और जो अब, छह बजकर दो मिनट पर मिल्किंग स्टार्ट की गई थी, छह बजकर दो मिनट पर ही सुबह की मिल्किंग और आपको दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ले चलें, ले चलें, ले चलें। ये देखें, खोल दो मिल का। ये देखें दो बाल्टियों में शाम का जो दूध है 18 तारीख का, ठीक है, जीरो वे। ये वो युवा साथी हैं जिन्होंने हमें न्योता दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं उतारें इसको, हाँ पहले जीरो वेट दिखाएं। ये देखें, एक सेकंड पास आना पड़ेगा। इस बाल्टी को अपने घुटने के पास रखें दोनों को, हाँ दोनों को, इसको भी ले लें, हाँ और थोड़ा ले लें पास, हाँ ये देखें जीरो वेट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। रखें एक किलो का बाट, ये देखें 970 ग्राम, एक किलो का बाट उठा करके दिखाएं हाथ में, कैमरे के पास ले आए। ये देखें थोड़ा बहुत जो घिस गया है, कुछ ना कुछ कमी दिखा रहा है कांटा, ज़्यादा नहीं दिखा रहा। ठीक है, एक किलो का ये देखें आप, ठीक है, वैसे तो नया है, हाँ रखें एक बार, फिर रखें, फिर रखें कांटे पर 970 ग्राम। ठीक है, कांटा कम ही दिखा रहा है, ज्यादा तो नहीं दिखा रहा, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, खाली बाल्टी रखें, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, रखें, कांटा काटें, कांटा काटें, जीरो करें। 920 ग्राम की बाल्टी है प्लास्टिक की, बटन से नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, देसी तरीके से कर दो, कोई बात नहीं। ये देखें जीरो कर दिया गया है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छी तरह दिखा देते हैं, जीरो कर दिया गया है। ठीक है, डालें पहले बड़ी बाल्टी का, मिला करके डालते, जाग जुग सब आ जाते हैं, कोई नहीं, कोई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ, 14 किलो 10 ग्राम दूध उत्पादन क्षमता। ठीक है, पूरा निकाल दें। ये देखें तो मुर्रा का काफी काफी अच्छा पशुधन गांव समचाणा में जो देखने को मिला, युवा साथी हैं नवीन सर, 14 किलो 30 ग्राम। ठीक है, पूछ दें 50 कर दें पूरा। हाँ यस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये देखें 14 किलो 50 ग्राम दूध उत्पादन क्षमता तकरीबन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो संपर्क सूत्र बताएं, सुबह की मिल्किंग और करेंगे पूरे 12 घंटे बाद। सुबह कितने बजे दूध निकाला था आपने? 6 बजे पूरे। ठीक है, तो ये आपके बड़े भाई साहब हैं, ताऊ जी के बेटे हैं, तो इनकी एक वो थी दिली इच्छा थी कि वीडियो में मेरे को भी जरूर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मुर्रा का पशुधन है, ये देखें आप, और ये इसका मेल काफ है, ये देखें, और ये पिछले ब्यात का मेल काफ है। ठीक है, ठीक है,
नवीन सर के छोटे बेटे जो हैं, छोटे बेटे, अच्छा एक ही बेटे हैं, हाँ। और आपका भी जो सहयोग है लाइट वगैरह लगाने में, ये देखें लाइट की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि आप सारी चीजें सुस्पष्ट देख पाएं। ठीक है, अभी वीडियो अपलोड करेंगे और 6:02 सुबह। तो ये देखें, इन्हीं के बड़े भाई हैं, चाव बहुत बढ़िया लगा मेरे को, और भैंस के साथ फोटो खींचा। ठीक है, धन्यवाद।